नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 के फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तो फिजिकल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि पीएसटी में क्या क्या होगा, नंबर एक पॉइंट, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने ज़रूरी है। ठीक है, तो इनकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जरा सी भी प्रॉब्लम में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें, और ये जो डॉक्यूमेंट जो हम इसमें बताएंगे वो सभी कंप्लीट कर लें। और जो पीएसटी में हम आपको बताने वाले हैं कितनी हाइट, कितनी लंबाई और क्या होगा, उसके बारे में भी आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले आपको बता देते हैं कि फिजिकल में आपको क्या क्या करना होगा। ये लिखा है, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जर्नल और ओबीसी वालों के लिए, ये पहला पॉइंट है, 1.65 सेंटीमीटर तो हाइट होनी चाहिए, और बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर चेस्ट, और फुलाऊ 5 सेंटीमीटर के साथ, यानी कि 82 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए कद का माप होगा, छाती का माप लागू नहीं है। ठीक है, फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए आपको 1.65 सेंटीमीटर की हाइट और बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर चेस्ट और फुलाव के साथ, यानी कि 5 सेंटीमीटर के साथ 81 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपकी अनुसूचित जनजाति वाली महिलाओं के लिए जो लंबाई है वह है 150 सेंटीमीटर। और आपका गढ़वाल, कुमाऊनी, गोरखा, डोंगरा, मराठा या सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर राज्यों के जो अभ्यर्थियों के लिए छूट है वो कद में है, 1.65 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है, और बिना फुलाई 77 सेंटीमीटर, और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर। और जो यहाँ की महिलाएं हैं उनके लिए जो हाइट है वो है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी फिजिकल के बारे में बात। अब डॉक्यूमेंट में देखते हैं, डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको लेकर जाना है। तो दोस्तों, वहाँ जाने के बाद पहले तो आपका कदबार परीक्षा होगी, यानी कि आपकी हाइट नापी जाएगी। उसके बाद फिर आपकी शारीरिक मानक परीक्षा, जिसमें आपका कद, छाती और वजन का माप किया जाएगा। उसके बाद अगर आप वहाँ पास हो जाते हैं, फिर आपको दस्तावेजों के लिए आगे भेज दिया जाएगा, यानी कि अगली प्रक्रिया में। तो आगे देखते हैं दस्तावेज क्या क्या आपको लेकर जाने हैं। दस्तावेजों में दोस्तों, पीएसटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित मूल दस्तावेज प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा रद्दीकरण पर्ची में इसका कारण बताते हुए भर्ती संबंधी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट में अगर कोई आपका फॉल्ट निकलता है तो आपको वहीं पर निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे 10th या 12th के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी लगभग 2-2 कॉपी वो लेकर जाने हैं। जन्म प्रमाण पत्र, ये तो आपके मैट्रिक और 10वीं पास होने के प्रमाण पत्र पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। ठीक है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, यानी कि SC और ST OBC, इनके लिए एक प्रमाण पत्र बनता है। ठीक है, अलग से वो प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। उसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा दूंगा, कैसा फॉर्मेट है जो प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, उसकी भी ओरिजिनल, एक कॉपी ओरिजिनल और बाकी 2 उसकी कॉपी लेकर जानी है। ठीक है, इसके बाद यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी मतलब SC ST या OBC से है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल लेकर जाना होगा। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। और दोस्तों, ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र 2 तरह के बनते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको ये स्टेट गवर्नमेंट वाला तो वहाँ पर नहीं चलेगा, वो तो आपकी स्टेट में, मान लो आप UP, बिहार, अपने ही स्टेट की भर्ती में जा रहे हैं तो आपके स्टेट गवर्नमेंट के ये आपके सर्टिफिकेट चलेंगे। लेकिन ये सेंटर की वैकेंसी है CISF की, तो आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र
बनवाकर जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। ठीक है, उन्हें अपने मुक्ति प्रमाण पत्र ये फलाना और कोटा, यानी कि जिस कोटा के तहत वे कार्य कर रहे हैं वो लेकर जाने हैं। जम्मू कश्मीर के लिए अलग है। ठीक है, जो मेन है वो तो आपका SC और ST और OBC, इनके लिए है। इनको 10th+2 की मार्कशीट और आपका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास और फोटो ID में आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी जो ऑथराइज है गवर्नमेंट से वो लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों SC और ST और OBC, इनके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके, एक तो 10+2 इसकी ओरिजिनल मार्कशीट और 2 कॉपी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होगा, ओरिजिनल और इसकी भी 2 कॉपी, और आपका मूल निवास और आपका आधार कार्ड या कोई अन्य ID। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। बाकी मैं आपको अभी फॉर्मेट दिखा देता हूँ जाति प्रमाण पत्र का, किस तरीका वहाँ पे मान्य होगा। अनुसूचित जनजाति और आपका अनुसूचित जाति, इनके लिए तो इस तरीके का प्रमाण पत्र होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ये इस तरीके का, ये वहाँ पर मान्य होगा। और आपका जो अन्य पिछड़ा वर्ग वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ये होगा। ये सभी के सभी पॉइंट उसमें मिलेंगे। ठीक है, और आपका कद या माप में अगर छूट चाहिए तो उनके लिए ये ऐसा प्रमाण पत्र है, इसकी तो ज़रूरत पड़ने की नहीं शायद आपको। तो ये प्रमाण पत्र है, इनको आप ध्यान रखिएगा। OBC वालों के लिए इस तरीके का, ठीक है, जो तहसील से बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, ये बात ध्यान रखिएगा। और अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति वालों के लिए ये। और बाकी दोस्तों जो जनरल कैंडिडेट हैं उन्हें कोई प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं, बस 10+2 की मार्कशीट ही चाहिए और एक ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड। बाकी उन्हें मूल निवास भी चाहिएगा, जाति नहीं चलने की उनकी, क्योंकि उन्हें कोई छूट नहीं मिलने की ना उन्हें कोई आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको इसी तरह की नई जानकारी या कोई भी नई अपडेट तुरंत उपलब्ध करा सके। और यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर वहाँ से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।